अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन हुस्ने ज़ोक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी। चिकन ब्रेड की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन ये मैं सेकंड मेथड से आज चिकन ब्रेड बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 4 कप्स मैदा। अब इसमें ऐड करूँगी 1 साशे यीस्ट, 2 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बर्तन मेरा छोटा है, अब इसे मैं चेंज कर लेती हूँ। बर्तन मैंने बड़ा ले लिया है। अब इसमें इसी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किए हैं उनमें ऐड किया है 1 एग और 4 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। अब इन्हें भी अच्छा सा हम पहले मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हमने लिए नीम गरम पानी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी डो अच्छी सी राइज करे। अब हम इसे नीम गरम पानी के साथ गूंद लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हमने सख्त गूंदनी है डो, और ना बहुत ज़्यादा नरम। बस ये देखें आप, इस तरह हमारी डो रेडी होनी चाहिए, तभी वो अच्छी सी राइस होगी। जब तक डो राइस होती है, हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं ब्रेड की फिलिंग। उसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल। अब यहाँ पे मैंने 1 मीडियम टू लार्ज प्याज लिया है और उसे बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल में शामिल करने के बाद प्याज इसका कलर चेंज होने तक, यानी इसका कलर पिंक होने तक, मतलब सॉफ्ट हो जाए प्याज, तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट ऐड किया। और अब इसमें मैंने बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन ऐड किया है। 1/2 kg मेरे पास चिकन था, बोनलेस चिकन, और उसे मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। अब इसे हमने ऐड कर दिया है, इसे पकाएंगे थोड़ी देर, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक। ये चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक, कम या ज़्यादा स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ही मैंने डाली है ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून मैंने डाले ओरिगैनो लीव्स। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून केचप, 2 मैंने चिलीज़ ग्रीन चिलीज़ लिया और उन्हें बारीक काट लिया है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून मिल्क। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मिल्क खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। फिलिंग में आप जो चीज़ें आपका दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, डो हमारी बहुत अच्छी सी राइस हो गई है। 1/2 घंटे में हमारी डो बहुत अच्छी सी राइस हो गई थी। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे एक दफ़ा, और अब इसे हम इक्वल पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया था 4 कप्स मैदा लिया था, और उसकी 6 ब्रेड्स हम तैयार करेंगे। अब हम इसे 6 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और इस तरह हर हिस्से का एक बॉल बना देंगे। बाल हमने तैयार कर लिए, और अब यहाँ पे ब्रेड को हम ओवल शेप में बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी हमने ब्रेड, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी।
बस ओवल शेप दे देनी है इसे। अब इसमें हमने जो फिलिंग तैयार की हुई है वो रखेंगे और इसे इस तरह साइडों से बंद करेंगे ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले, और इसे इस तरह रोल करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। बस इतना रोल करने के बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे कट ताकि ब्रेड की हमारी की बहुत अच्छी सी शेप आए। यहाँ पे हम इस तरह कट लगा लेंगे और फिर ब्रेड को रोल कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया बेकिंग ट्रे और उसे अच्छा सा ग्रीस करूँगी। बटर पेपर अगर है तो यूज़ कर ले, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसे अच्छा सा ग्रीस करेंगे तो बिल्कुल भी मसला नहीं करेगी। अब इसी तरह बाकी जो हमने बॉल बना के रखे थे उन सब के इसी तरह मैंने ब्रेड्स तैयार कर लिए। यहाँ पे एक दफ़ा मैं 3 ब्रेड्स को बेक करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया और उसे अच्छा सा फेंट लिया है। अंडे को अच्छा सा फेंटने के बाद अब इसे इन ब्रेड्स के ऊपर अच्छा सा ब्रश करेंगे। एग लगाने के बाद मैंने इस पर लगाए सफ़ेद तिल और कलवंजी और इसे प्री हीट ओवन में रखूँगी 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये देखें ब्रेड को मैंने निकाला है, बहुत अच्छा सा कलर इसका, कोई आपको जज नहीं कर सकेगा कि ये आपने घर में बनाई है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, पतीले को प्री हीट करें 5 से 10 मिनट के लिए और इसी तैयार हुई ब्रेड को 25 मिनट के लिए वहाँ पे रखें मीडियम टू लो फ्लेम पे पतीले के अंदर, तो आपकी ब्रेड भी इसी तरह तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी आपको। अल्लाह हाफिज़।